आखिरकार मैंने ये फॉर्मूला तैयार कर ही लिया। अब देखना मैं कितना ताकतवर हो जाऊंगा। सब इसके एंटीडोट के लिए मेरे मोहताज हो जाएंगे और फिर मैं दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। हे जेक, क्या तुम्हें पता है आज सुबह से शहर से कितनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और सबका यही कहना है कि या तो उनके पालतू जानवर ने उन पर हमला किया है और या फिर उन्हें काटने की कोशिश की है। कितनी अजीब बात है, अचानक से इतने सारे पालतू जानवर अपने ही मालिकों पर हमला करने लगे हैं। हाँ, मैं इसी बारे में देख रहा हूँ। ये एक बहुत अजीब बात है और एक मिस्ट्री भी, पर फिक्र ना करो, हमने इतनी मिस्ट्रीज को सुलझाया है तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं। सही कहा, पर प्लीज़ तुम जल्दी से चेक करो, मैं भी ऊपर जाकर चेक करती हूँ। ठीक है, चलो फिर घर चलते हैं, हमें घर जाकर साइंस प्रोजेक्ट भी बनाना है। हाँ सही कहा तुमने, चलो घर चलते हैं। चलो फिर चले। जिम, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था ना, क्या मामी तुम्हारे साथ आई हैं? अरे नहीं जिम, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे मार क्यों रहा है? ये तो मेरा पालतू है, मैंने तो उसे बचपन से पाला है, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर चेक, अरे लिली बेटा, तुम सब यहाँ कैसे? मिस्टर चेक, हम आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आए हैं, बताओ फिर मुझे। मिस्टर चेक, आज चिंप ने मुझ पर हमला किया। अरे ये कैसे हो सकता है, वो तो बचपन से तुम्हारे साथ है। सही कहा, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। वैसे हमें सुबह से इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। हाँ, सबका यही कहना है कि उनके पालतू जानवर अचानक से उन पर हमला करने लगे हैं और हम इसी बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे क्या तुम थोड़ी देर के लिए चिम को मेरे लैब में छोड़ के जा सकती हो? बिल्कुल मिस्टर जेक। चलो ठीक है फिर, आज तुम उसे छोड़ जाना। ठीक है मिस्टर जेक, मैं उसे छोड़ जाती हूँ। चलो अब चेक करते हैं। हाँ तुमने सही कहा, मैं चेक करती हूँ। अरे एक मिनट, ये क्या है? ये वायरस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ सही कहा, मुझे भी इस वायरस के बारे में नहीं पता। ऐसा करता हूँ, मैं इस बारे में सर्च करता हूँ। ये क्या, ऐसा तो कोई वायरस है नहीं। इसका मतलब ये वायरस किसी ने अभी अभी बनाया है, किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत। सही कहा तुमने, अब हमें इसका एंटीडोट ढूंढना होगा। मुझे लगता है बाकी सब जानवरों में भी यही वायरस आ रहा है, पर वो ये वायरस फैला कैसे रहा है? अब इसी का जवाब हमें ढूंढना है। हा, फाइनली ये काम कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि काफी जानवरों में ये वायरस फैल चुका है, तो अब डॉक्टर जेक को, मेरा मतलब है प्रोफेसर जेक को, धमकी भेजने का वक्त है। हे, तुम्हें पता है डॉक्टर रॉबर्ट की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है? नहीं, मैंने नहीं देखा, जरा मुझे देखने दो। अरे ये क्या है? ये वायरस मैंने ही फैलाया है, क्योंकि तुम मेरे पुराने दोस्त हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, 24 घंटे में एंटीडोट बना लो, वरना कल मैं इसे पूरे मुल्क में फैला दूंगा। आज तो मैंने सिर्फ शहर में ही फैलाया है। ये क्या है, क्या उसने हमें धमकी भेजी है? सही कहा तुमने, अब हमें इसका एंटीडोट निकालना होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फाइनली एंटीडोट बन गया। सही कहा तुमने, चलो अब इसे हवा में छोड़ देते हैं। ठीक है, बस एक क्लिक की दूरी पर। फाइनली अब सब ठीक है, हमने एक और मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। सही कहा तुमने, और डॉक्टर रॉबर्ट हार गया। ये हो कैसे सकता है? उन्होंने इसका एंटीट्यूड कैसे बना लिया? डॉक्टर रॉबर्ट वापस आएगा, बदला लेने के लिए वापस आएगा।